ओके। इसी के साथ हम मनाली पहुंच चुके हैं। हैप्पी स्नोफॉल। भयंकर भाई भयंकर। और साथ में अनाउंसमेंट ये होगी है कि टू वर्ड्स गुलाबा साइड ना जाएं, वो है टूरिस्ट के लिए, हम 4i4 वालों के लिए नहीं है। और लोग आ रहे हैं बेचारे, धीरे धीरे वापस भी आ रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है हैवी स्नोफॉल होने वाला है यार, भयंकर स्नोफॉल होने वाला है। देखते हैं आगे जाने देते हैं या नहीं। यहाँ पे अब स्लाइडिंग कार चालू हो चुकी है, अभी वो सुमो गई ऐसी फर्र करती हुई। ओह माय गॉड, ऑटो दम देखिए ऑटो का, जो कि स्नोफॉल में चल रहा है। लोग गलती ये करते हैं ना कि ये ऑल्टो वगैरह लेके बर्फ में पड़ जाते हैं, अब खुद भी फंसेंगे दूसरों को भी फंसा देंगे, ना खुद आगे के ना बंदे दूसरे को आगे जाने देंगे, तो प्लीज ये हरकतें ना किया करें। तभी चले गए ऑटो, देख बाहर कर रहा है तो दोस्तों अब हम फंस चुके हैं, एक कार वाले की गलती की वजह से हम भुगत रहे उसकी गलती। हाँ रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, तो दोस्तों मैं यहाँ पे फंसा कैसे, एक ऑल्टो को बचाने के चक्कर में मैं सीधा नाली में चला गया, और ये नाली भी ऐसी वैसी नहीं है नॉर्मल, ये बिल्कुल टेढ़ी होती हैं, और अगर एक बार यहाँ पे आप घुस जाओ, चाहे आपका जिप्सी हो, 4i4 कोई भी गाड़ियाँ हो, यहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो बोलेरो ने भी खींच लिया, वो भी ना खींच पाई मुझे, मतलब मेरी जो वी क्रॉस है उसको, क्योंकि वी क्रॉस काफ़ी हैवी है और बोलेरो के पास उतनी पावर नहीं थी इस स्नोफॉल में कि वो खींच सके इसको। तो मेरे पास यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन था कि सीधा आगे से निकालने का, तो मैंने वही किया, फाइनली मैं इस गड्ढे से और इस नाली से निकल गया। तो हमने गाड़ी यहां से निकाल दी, बिना रेस्क्यू को खुद निकाली गाड़ी, बिल्कुल, और कितने टिल्ट पे निकाली,
सो जिप्सियाड़ गौरव ये देख लो भाई, इधर से सीधी। अरे हम सोच रहे थे हम साला दुनिया को रेस्क्यू करता, आज मुझे किसी की जरूरत पड़गी क्या? और लोग बेइज्जती लगे करवाने भाई, क्यों डाली कैसे डाली, निकाली ना खुद से। चलो भाई लेट्स गो। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा गाइस, फुल ऑन स्नो। माउंटेन फैमिली, तो अभी और हवा निकाली जा रही है क्योंकि हम उस नाली से निकल भी नहीं रहे थे, वो इतने टिल्ट थी भाई, लगभग 45 डिग्री के एंगल में यूं मुड़ गई थी गाड़ी। ये तो छोटी नाली है यार, वो थी ज्यादा। और मैं सोच रहा था एक साल बाद वापस स्नोफॉल में राइड कर रहे, तो थोड़ा अपना पुराना जज्बा भूल चुके थे। मतलब हो गया यार, बहुत सुन ली लोगों की भाई, ये तो 4x4 है। एक्चुअली पता क्या होता है, जो गोला बोलते ना जिसको, उसके बाहर निकलोगे तो ये चीजें होंगी आपके साथ। निकल गई क्या बात है देशराज, खोल दिए। चलो तो केपेल एक्सपीडिशन वालों दिल खुश हो गया है, और अब आगे लोगों को जाना बंद करवा दिया है, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं लोग आगे। तो ये लोकल्स हैं, ये टूरिस्ट नहीं है, तो टूरिस्ट को टोटली बंद हो चुका है। और यहाँ से पता कैसा है, अभी कहाँ पे हम, ये वाला ड्रोन शॉट देख लो, इसी जगह का है बट वो पिछले साल का है, क्योंकि हर साल ड्रोन शॉट लेने का मैं रिस्क नहीं ले सकता, अगर स्नोफॉल पे ड्रोन शॉट लिया तो वो खराब भी हो सकता है मेरा ड्रोन। चलो चलते अब आगे थोड़ा सा। क्या प्लान है सर? सर अब आगे पुलिस वाले जाने देंगे तो चले जाएंगे आगे, नहीं तो हम घर की ओर जाएंगे। दो बार घुसा मैं आज भाई, पहली बार उसका रीजन ये था, एक तो मेरे टायर थोड़े गंजे हो गए और दूसरा हवा ज्यादा है। चल तो यार कैसा लग रहा है आप लोगों को इतना हैवी स्नोफॉल देख के? हमारा तो दिल खुश हो गया, बट कसम से दो बार गाड़ी आज ठुकते ठुकते बची। उसका रीजन ये है, साल बाद जब गाड़ी चलाओगे बर्फ में थोड़ी तो दिक्कतें आएंगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी। ऊपर से टायर मेरे थोड़े से गंजे हैं और हवा ज्यादा है, तो कम करनी पड़ेगी हवा। बहुत भयंकर स्नोफॉल हो रहा है यार, बहुत ज्यादा भयंकर स्नोफॉल। तो गाइज यहाँ फंस चुके हैं गाड़ी वाले, तो ये देख लो आप केपीएल एक्सपीडिशन कभी भी। अब देखो उसने सिंपल गाड़ी लाई है, मतलब 4x4 नहीं है, तो कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसको। तो भाई ये तो प्रॉब्लम होगी, और इस टाइम स्नोफॉल सच में यार, मैं तो बोलता हूँ जहाँ पे हो तुम वहीं बैठो यार, कोई जरूरत नहीं है, 3 दिन मनाली रह लो, क्या फर्क पड़ता है। बट बहुत कष्टकारी हो गई, इतना है ना कि पिस्टल ही था। चार होगी, 10 टायर है। ये हवा निकाल रहे हैं थोड़ी सी और, बिकॉज रिस्की लग रहा है काम। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना, हमारे पास है वी क्रॉस और ये सुहाना सफर, और ये सफर सुहाना। तो यहाँ देख लो भाई, लगभग 1-1 फीट पहुंचने वाली है स्नोफॉल, और अभी हैं हम कोठी की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कोठी पहुंचते हैं या नहीं। 20 कमरों की कोठी है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं कोठी में, तो आप देख सकते हैं खूबसूरत चारों तरफ स्नो ही स्नो, और 1.5-1.5 फीट स्नो है यहाँ पे कई जगह। तो अब देखते हैं अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं या उससे आगे जाएंगे। लेट्स
लेट्स होप कि वापस जाते वक्त ट्रैफिक जाम ना लगे, क्योंकि अगर ट्रैफिक जाम लगता है तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। और पता है इस बर्फ की तरकार थी भी, इधर आला एक इधर आओ, तो दो दिन तक नहीं रुकने वाली है अगले स्नोफॉल। अब और जो ये स्नो पड़ रही है ये बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल सूखी। रौन दे रहा जस दिला गिरी है गाइस, यहाँ पे एक बुरी खबर है, आगे पत्थर गिर चुका है और मुझे लगता नहीं है इसके कारण हमें आगे जाने मिलेगा। तो ये हिल भी नहीं रहा है, चलो पावर है उस गाड़ी में। तो देख लो, नेचर से पंगा कोई नहीं ले सकता भाई। इवन जो ये चेन वाली गाड़ी है ना, अगर यहाँ पे ब्लैक आइस जम जाए तो बहुत मुश्किल होगा, ये भी स्लिप कर सकती है, क्योंकि भाई नेचर इज एक्सट्रीम है। पत्थर आया कहाँ से भाई, ऊपर से, अब तो डर ही लगे ना। देता है तो देता है, छप्पर फाड़ के गाइस आगे देख लो आप, मस्त है ना एकदम। थोड़ी सी जिमनी फंस गई, थोड़ी सी गड़बड़ होगी जिमनी वाले से भाई से, बट ये चीज़ें होती हैं यार, स्नोफॉल है, फंसते हैं। मैं भी आज दो बार फंसा, अच्छी तरह फंसा, और इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। नेचर के आगे सबकी अपने अपने वो होते हैं, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे रखी है क्योंकि बहुत लंबा जहाज है और आगे मोड़ने को भी नहीं है। थोड़ी जिमनी स्ट्रगल कर रही है और जिमनी जिमनी है सारी। मैंने अपनी गाड़ी नीचे रख दी है बस, क्योंकि मुझे ज़्यादा आगे जाना भी नहीं है। शाह निकल गया गाइस, शाह निकल गया बंदे का है, शाह निकल गया भाई जी तेरा। जब आप आए तो साथ में भी लेके आए। तो ये देख लो पार्टियों की लाइफ कितनी टफ होती है, और ये पता नहीं कहाँ जा रहा है यार ये बोरी डाल के। भाई जी कहाँ है घर आपका, हैं घर कहाँ आपका भाई जी? ए भाई गौर को हटा तेरा, हैं ऐसा कर रहा भाई। भाई बहुत गुस्से में लगता है, बीवी घर छोड़ के अकेले आए, बीवी को छोड़ के आया तू घर। फाइनली हम चल पड़े अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, तो हमारा जो दम था ना यहाँ तक बोल गया, क्योंकि आगे ना कुछ एक स्पॉट है, रिस्की है, तो कभी भी याद रखना अगर माउंटेन में आओ, हम 4x4 एक्सट्रीम पता कब करते हैं, जहाँ पे 2-2.5 feet हो, जब दूसरी भी गाड़ियाँ साथ में हो। अभी मेरी अकेली गाड़ी है, इनके सब फंस जाते हैं तो बहुत सारा दिक्कत आएगी। एक तो ठंड में ना जोर भी नहीं लगता है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी गाड़ी है, जिप्सी फिर भी हल्की होती है तो उठा के इधर उधर कर सकते हैं हम। तो बताओ कैसा लगा आपको, बहुत टाइम से आप लोगों की इच्छा थी ना कि भाई, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कि ले जाओ केपल एक्सपीडिशन वालों को जरा लाइव स्नोफॉल में ले जाओ। तो भाई अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, मेरी पहली गाड़ी है, ये देख लो टायर का निशान बनाया है यहाँ पे। तो हम हैं कोठी गुलाबा की तरफ, और लिटरली अमेजिंग, जितनी तारीफ करें अभी स्नोफॉल की बहुत ही कम है, बहुत ही कम है।